सो इट्स टाइम टू जॉइन एप्पल बिल्कुल ठीक सुना आपने जैस ए बैचुलर डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पे आप एप्पल को ज्वाइन कर सकते हैं पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगा क्या प्रोफाइल है क्या स्किल सेट की डिमांड है क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखें और एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर मैं भी डिलीवर करना चाहूँगा मैंने अभी यूट्यूब पर जैसे एप्पल की जॉब लिखा और देखा कि लोग किस टाइप का कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं और आई एम टोटली शॉक मतलब दसवीं पास बारहवीं पास एप्पल के अंदर जॉब अवेलेबल है वो चीज को बोल रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा एप्पल के अंदर जो जॉब्स हैं वो बहुत कम अवेलेबल होती है मैंने ये नहीं कहा नहीं होती बहुत कम होती है अगर वो होती ही भी है तो उनका जो सैलरी अमाउंट होता है वो कम होता है तो ट्राई टू तो अंडरस्टैंड अगर आप किसी बड़ी कंपनी का नाम सुन रहे हैं और बड़ी कंपनी में बड़ी हैंडसम सैलरी के साथ आप वहां पर जॉब करना चाहते हैं तो एक अच्छी प्रोफाइल एक अच्छा स्किल सेट इट इज़ ए मैंडेटरी पार्ट तो यहां पे मैं आपको सिर्फ एप्पल की एक ऐसी जॉब की इंफॉर्मेशन दूंगा जहां पे आप हाई पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल सेट है मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ आज की जॉब अपडेट इज नॉट लाइक दैट दसवीं पास बारहवीं पास जॉब ले ले आज की अपडेट स्किल सेट है नॉलेज है ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए तो मोस्ट वेलकम आप आ सकते हैं तो चलिए यहाँ पे चलते हैं एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल में समझते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे आपकी प्रोफाइल होने वाली है डैप ऑफ्स इंजीनियर बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोफाइल है मतलब आईटी कैंडिडेट्स की प्रोफाइल है और यहाँ पे अगर आपने बी टेक बी करी है तो यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट अगर आपने नहीं करी तो डोंट वरी यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला वी नीड ओनली स्किल अगर आपके पास स्किल है अगर आपको आई टी की नॉलेज है बी कॉम करिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं तो डोंट फ़ेर अबाउट दिस पार्ट स्किल आपकी पहली प्रायोरिटी रखी गई है जहां पे आपको की रिस्क गई है, तो सबसे पहले आपको जानना है वो एजुकेशन एक्सपीरियंस को जानना है जिसके अंदर बैचुलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन ए रेलिवेंट फील्ड मतलब बैचलर डिग्री अगर आपकी रेलिवेंट है तो यू आर द परफेक्ट इन सुटेबल कैंडिडेट देन आफ्टर आपके एडिशनल रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं जिनको हम पहले समझ लेते हैं चूंकि वो बहुत ईजी होते हैं या ये मैं कहूँ कि वो आपकी स्किल को लेके कंसिडरेबल नहीं होते ज्यादातर नहीं होते हार्ड कोर स्किल को लेके जिसके अंदर आपका एक्सीलेंट वर्बल डॉक्यूमेंटेशन स्किल आपके पास होने चाहिए गुड एनालिटिक्स स्किल आपके होने चाहिए एबिलिटी टू सर्च एंड प्रेजेंट फाइंडिंग बेसिकली आप आर एन डी भी आपका स्ट्रॉन्ना चाहिए Then, after, आपका proactive, able to, independently, मतलब आप खुद से अकेले काम कर सके अगर आपको कोई टास्क असाइन किया जाता है और लास्ट आपका अटेंशन टू डिटेल आप छोटी छोटी चीजों को कंसिडर जरूर करें ना कम टू द मेन पार्ट की क्वालिफिकेशन जो कि स्किल सेट को कंसिडर करके ही फोकस करी गई है जिसके अंदर पहले पॉइंट में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि आपको कॉन्फिग्रेशन मैनेजमेंट आना चाहिए फॉर डिप्लॉइंग चीज़ों को डिप्लॉय करने के लिए कॉन्फिग्रेशन करने के लिए मैनेजिंग सर्विस एंड सिस्टम के लिए तो आपको डेवलप भी करना है आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट भी करना है डिलीवर भी करना है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होने वाली है घबराना मत इतनी सारी चीज़ों को सुन के क्योंकि यार ये चीज़ें लिखी गई हैं और इनका मतलब है कि यस आपके पास स्किल सेट होना चाहिए अगर नहीं है इतनी नॉलेज डोंट वरी ट्रेनिंग मिलेगी बताया जाएगा और आपको इसके लायक बनाया जाएगा देन आफ्टर आपको पाइथन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ आपकी जावा हो गई और बैश हो गई बी ए एस एच ये तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करी गई है इफ़ यू हैव ए गुड नॉलेज यस यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट देन आफ्टर आपका सी एंड एंड सी डी पाइपलाइंस जो कि सिर्फ एप्पल के लिए मेजरली यूज़ होती है देन आफ्टर आपका ए डब्ल्यू एस कि नॉलेज होनी चाहिए मतलब आपके यहाँ पे क्लाउड सर्वर हो गए उनसे रिलेटेड होनी चाहिए देन आफ्टर आपका डी बी डाटा बेस और एस क्यू एल माई एस क्यू एल वाला पार्ट जो कि बेसिक भी होता है और एडवांस भी होता है अगर आपको नॉलेज है तो यस येसा परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको बेसिकली टेक्निकल वर्ड को ट्रिगर किया गया जिससे आपको जान पाए आपके पास किस किस स्किल सेट की नॉलेज है उसके बाद आपको यूनिक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने आने चाहिए उनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आप फास्ट इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है आईटी सेक्टर का बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए उस अनवायरमेंट में चेंज होते हुए तो ये अगर ये सारी नॉलेज आपके पास है तो ये जॉब भी आपके पास आने वाली है तो जल्दी से इस जॉब को ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करें लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए अवेलेबल कराया क्लिक करें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं अप्लाई पे क्लिक करें अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें और अपने रिज्यूम के अंदर सीवी के अंदर कवर लेटर के अंदर इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करें देन यहाँ पे एप्पल के रिक्रूटर आपसे कनेक्ट करेगा आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका असेसमेंट होगा और बेसिकली आपके छः से सात राउंड होंगे ये yes, आपने ठीक सुना इतने राउंड होने के बाद आपको एप्पल में जॉब मिलती है चूँकि यहाँ पर अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ ऑफिशियली वेबसाइट पर इन्होंने एक्सप्लेन तो नहीं करा पर अगर आप गूगल से इस लेवल की जॉब पे एप्पल जैसी कंपनी में जाएंगे तो आपका सैलरी पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 18 टू 24 फोर लैक्स यस पर महीना दो लाख रुपए कमाएंगे और एप्पल की ऑफिस की फैसिलिटीज तो हर किसी को पता है अगर आपको नहीं पता तो एक जस्ट वीडियो मैंने डाली है टेलीग्राम पे लिंक में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जहां पे आप देख सकते हैं एप्पल के ऑफिस में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है सो डोंट वेस्ट यूर टाइम जल्दी से जाइए क्लिक करिए ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके अप्लाई करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ बट टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप क्या बोलता हूं मैं इससे आगे मुझे कमेंट करके जल्दी से नीचे बताएं एंड देन कीप वॉचिंग जेबीआर थैंक यू सो मच